हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केस गार्डनिंग विद ब्लॉग पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है परमानेंट प्लांट। वो परमानेंट प्लांट जो हमारे गार्डन में पूरे साल भर ही बने रहते हैं और हमारी गार्डन की खूबसूरती को कायम रखते हैं। जिनके घरों में स्पेस की कमी है वो हैंगिंग बास्केट में प्लांट ग्रो करके अपनी गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हाड़ी धूप में चलने वाले, भर गर्मियों में चलने वाले प्लांट्स की आज हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लांट है पर्सलेन, इसे पोर्चुला का भी कहते हैं। कई कलर्स में ये नर्सरी में मिल जाता है फ्रेंड्स और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में कम केयर में चलता रहता है। पानी की भी इसे प्लांट को ज़्यादा नीड नहीं होती है फ्रेंड्स, और कटिंग से भी काफ़ी ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी एक छोटी सी कटिंग्स भी काफ़ी बुसी हो जाती है, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में लगाई हो या किसी प्लांटर में। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है 9 o'clock ऑफिस टाइम। ये भी कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है और कम केयर में चलता रहता है। कई कलर्स में मिल जाता है ये नर्सरी में। इसे हम कटिंग से भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं और पानी की भी कम ज़रूरत होती है इस प्लांट को। और इस प्लांट को भी हाड़ी धूप में रखेंगे तभी इस प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लगता है और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। कम केयर की और कम पानी की ज़रूरत है इस प्लांट को और हाड़ी धूप में चलता रहता है फ्रेंड्स ये प्लांट। अगला प्लांट है विंका सदाबहार। ये प्लांट भी कई कलर्स में आ जाता है फ्रेंड्स। सीड से और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। अगर हाइब्रिड विंकास की हम वैरायटी अपने हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है हाइब्रिड विंका भी। और अगला प्लांट है बेबी सन रोज़। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी सन रोज़ को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इस बेबी सन रोज़ में समर में फ्रेंड्स। और देखिए, काफ़ी ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाला है, प्लस कम केयर में और कम पानी की ज़रूरत है इस प्लांट को। और खूब आसानी से इंडोर भी चलता है और आउटडोर भी चलता रहता है। अगला प्लांट है रियो बॉट लिली। इस प्लांट को फ्रेंड्स हम डिवाइड करके लगा सकते हैं और एक ही प्लांट आप कहीं से इसका ले आएंगे, जो इसके बेबी प्लांट इसके साइड साइड में बनते हैं, ऐसा ही एक छोटा सा प्लांट कहीं से ले आएंगे तो पूरा प्लांटर आपका भर जाएगा। तो देखिए, मेरे इस प्लांटर में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं और आने वाले समय में मेरा पूरा प्लांट खुशी हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये भी बोट लिली की एक वैरायटी है। इस वैरायटी में फ्रेंड्स फ्लावरिंग आती है। तो देखिए, ये फ्लावर्स आए थे, इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, किसी दिन आपको दिखाऊंगी। और कम केयर में कम पानी की जरूरत में चलते रहते हैं ये प्लांट भी फ्रेंड्स। अगला प्लांट है फ्रेंड्स पोथोस मनी प्लांट, और परमानेंट प्लांट है फ्रेंड्स। ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है कम केयर में और हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है। दो तीन वैरायटियां आती हैं मनी प्लांट में, जो हम हैंगिंग बास्केट में या फिर प्लांटर में लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और अगला प्लांट है अल्टरनेंथ्रा। सॉरी फ्रेंड्स, अगर मेरा बोलने में कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में खूब इजीली चलता रहता है। कम केयर में और कम पानी की ज़रूरत है इस प्लांट को। कलरफुल लीव्स इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसमें भी दो तीन वैरायटियां आ जाती हैं फ्रेंड्स। ये मैं छोटा सा प्लांट लेके आई थी 10 rupees में नर्सरी से। इसको भी अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक तरह का परमानेंट प्लांट ही है फ्रेंड्स। और अगला प्लांट है पेंडेनन्स। पेंडेनन का प्लांट देखिए फ्रेंड्स, मैंने गमले में लगाया हुआ और इसके साइड साइड में इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं फ्रेंड्स। और उन्हीं बेबी प्लांट से हम इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट में भी। ये एक परमानेंट प्लांट है तो हैंगिंग बास्केट में और हाड़ी धूप में खूब अच्छे से चलता रहता है फ्रेंड्स ये प्लांट कम केयर में। और अगला प्लांट है जीनिया का। जीनिया का प्लांट भी फ्रेंड्स एक परमानेंट प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट को फ्रेंड्स हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और अगला प्लांट है पर्पल हार्ट। तो देखिए, एक ही बास्केट में मैंने पर्पल हार्ट और वंडरिंग ज्यू की कटिंग्स लगाई हैं। तो इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं इन प्लांट्स में। ये जब प्लांटर पूरा भर जाता है हैंगिंग बास्केट तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो पर्पल हार्ट की कटिंग्स हो या वंडरिंग ज्यू की। दोनों ही प्लांट्स की कटिंग्स काफ़ी ईजिली लग जाती है फ्रेंड्स। और पूरे साल भर ही हमारे गार्डन की खूबसूरती को, यानी कि हमारे हैंगिंग बास्केट में लगे हुए प्लांट हमारी गार्डन की खूबसूरती को कायम रखते हैं फ्रेंड्स।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी।